शादी के कार्ड छप चुके हैं, दूल्हा घोड़ी चढ़ने को तैयार है, बाराती भी हरियाणवी गाने पर झूमने और बारात का मजा उठाने के लिए तैयार है। इस शादी की खास बात यह है कि बड़े बड़े ऑफिसर से लेकर जाने माने गैंगस्टर एक साथ शादी में मौजूद होंगे। ये सब देखकर तो ये तय है कि शादी किसी साधारण शादी जैसी तो नहीं होगी, ये शादी कुछ अलग हटकर ही होगी। और हो भी क्यों ना, एक तरफ गैंगस्टर काला जठेड़ी और दूसरी तरफ लेडी डॉन अनुराधा चौधरी। लेकिन क्या आपको पता है कि अनुराधा चौधरी काला जठेड़ी से पहले आनंद पाल के साथ रिलेशनशिप में थी। ये प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। गैंगस्टर से मिलना, साथ रहना, इस दौरान दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अनुराधा और गैंगस्टर की लव स्टोरी की शुरुआत तब हुई जब अनुराधा के पति दीपक मिंज ने उसको छोड़ दिया था। अनुराधा और दीपक दोनों शेयर मार्केट में काम करते थे, अच्छे खासे रुपए कमाने लगे थे। बाद में रुपयों के लेन देन में करोड़ों के धोखाधड़ी के आरोप लगे। उन दिनों अनुराधा चौधरी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसके पति दीपक मिंज को ये सब पसंद नहीं आया, जिसके बाद उसने अनुराधा को छोड़ दिया। इधर अनुराधा को लगातार धमकी मिल रही थी, लाखों रुपए की धोखाधड़ी और देनदारियों की धमकी के बाद हिस्ट्री शीटर बलवीर पानूड़ा ने अनुराधा की मुलाकात राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह से करवाई। आनंद पाल ने अनुराधा की काफी मदद की और धमकी देने वाले लोगों से अनुराधा को बचाया। पुलिस के बजाय एक गैंगस्टर द्वारा हेल्प करने पर अनुराधा को आनंद पाल सिंह से प्यार हो गया। उधर अपराध की दुनिया में कदम रखने पर दीपक मिंज ने अनुराधा को छोड़ दिया था, जिसके चलते अनुराधा चौधरी गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। गैंगस्टर के साथ रहने पर अनुराधा चौधरी भी अपहरण और लाखों रुपए की वसूली की वारदातों में शामिल होने लगी। उसके खिलाफ अपहरण, मारपीट, जान से मारने की धमकियां देने समेत कई मुकदमे दर्ज हुए। कुछ ही महीनों में वो राजस्थान की महिला हिस्ट्री शीटर बन गई। लेकिन जून 2017 में राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर कर दिया आनंद पाल के खात्मे और जेल से छूटने के बाद अनुराधा दिल्ली चली गई, जहां पर वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आई, जिसके बाद ही काला जठेड़ी के संपर्क में आई और धीरे धीरे इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। ये नजदीकियां वक्त के साथ प्यार में तब्दील हो गई, लेकिन बाद में पुलिस ने काला जठेड़ी और अनुराधा को एक साथ गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार होने के बाद किसी भी जेल की दीवार इनके प्यार को परवान चढ़ने से रोक नहीं पाई। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में जठेड़ी को बहुत सपोर्ट किया। कई महीनों बाद अनुराधा को जमानत मिल गई और वो लगातार मिलते रहे। उनकी प्रेम कहानी से परिचित लोग कहते हैं कि अनुराधा जिस आसानी से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है और जैसे उसके हाथ से क्लासिक नोव भी धुआंधार गोलियां उगलती है। अनुराधा के इसी स्टाइल पर काला जठेड़ी अपना दिल हार बैठा। आपको बता दें कि जिस लव स्टोरी की शुरुआत पुलिस से बचने के चलते हुई थी, अब पुलिस की इजाजत और अफसरों की मौजूदगी में ही इस कहानी में नया पन्ना जुड़ जाएगा। काला जठेड़ी 6 दिन की पेरोल पर जेल से बाहर आ रहा है और इस दौरान वो अनुराधा चौधरी से शादी रचाएगा। नहीं नहीं, इन दोनों की शादी के कार्ड भी अब छप चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।